वन देखते बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, इफ सम ऑफ टू नंबर इज 1215 एंड देयर एचसीएफ इज 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर आर। यानी दो नंबर का सम कितना दे रखा है बच्चों, 1215, और उसका एचसीएफ कितना दे रखा है 81। तो हमें पॉसिबल नंबर बताने हैं, यानी पेयर का वो कितने नंबर हो सकते हैं, राइट। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो यानी टू नंबर है, टू नंबर का यानी सम दे रखा है। तो एक मान लीजिए एक्स प्लस वाई, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड वाई, इसका सम कितना दे रखा है 1215, राइट बच्चों। और अगेन बोला है देयर एचसीएफ, यानी इन्हीं दो नंबर का जो हमने एक्स और वाई माना है, इन्हीं का एचसीएफ यानी एचसीएफ किसका जो हमने माना एक्स एंड वाई माना है, ये एक्स एंड वाई कितना एचसीएफ एक्स एंड वाई कितना दे रखा है बच्चों 81, राइट। तो यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ पे हमें एक्स लिखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी जो एचसीएफ है एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू ये दूसरा नंबर हो सकता है यानी 81 मल्टीप्लाई ए हो सकता है, यानी ए नंबर हम कोई सा लेट कर लिया, यानी मान लिया जो कोई सा पॉसिबल नंबर हो सकता है ए, हमें पता नहीं है ये ए क्या है बच्चों, पॉसिबल नंबर है, अभी पता नहीं है ए पॉसिबल नंबर। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू यानी अगेन यानी 81 मल्टीप्लाई ए हो सकता है, राइट। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा। देन अगेन अगर हम वाई को माने तो सपोज के जो वाई इज इक्वल टू यानी 81 मल्टीप्लाई कोई सा दूसरा नंबर पॉसिबल हो सकता है, वो बी हो सकता है, जैसे सेकेंड मान लेते हैं, राइट बच्चों। आप इन्हें हम सॉल्व करते यानी 82 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई देखिए एक्स क्या दे रहा है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1215 दे रखा है बच्चों। तो यहां से हम सॉल्व करते देखिए एक्स क्या आ गया बच्चों, एक्स को हमने क्या मान लिया यानी 81 मल्टीप्लाई ए, राइट। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 81 ए प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गया था बच्चों यानी 81 बी। तो लिख सकते 81 बी इज इक्वल टू 1215। अब इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, यहाँ पे भी 81 है, यहाँ पे भी 81 है, यहाँ पे 1215 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले 9 से कैंसिल आउट करते, तो देखिए 81 को 9 से कैंसिल आउट करेंगे 9 आएगा, देन 81 को भी करेंगे तो 9 आएगा, देन इसे 1215 को 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, आप देख सकते हैं 9 1 9 और 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा, 3 के ऊपर 1 यानी 31। तो 9 कितने, 9 3 27 और 31 में से 27 जाएगा 4 आएगा, 4 के ऊपर 5 रखेंगे तो कितना है 45, तो 9 5 45, राइट बच्चों। तो 9 से कैंसिल आउट होने के बाद कितना है 135, देन अगेन 9 से कैंसिल आउट करते तो 9 1 9 9 1 9, देन अगेन इसे 9 से कर तो 9 1 9 9, 13 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 4 आएगा, 4 के ऊपर 5 रखेंगे तो क्या 45, देन 9 5 45। तो ये क्या बच्चा बच्चों, यानी 1 ए को सिर्फ हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 15 आ गया, राइट। यानी वो नंबर है, पॉसिबल नंबर है जो ए प्लस बी इज इक्वल टू 15, राइट। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, इसमें यानी देन द पॉसिबल नंबर पेयर ऑफ सच नंबर, तो वो नंबर हमें पॉसिबल करना है जो को प्राइम नंबर हो, क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है बच्चों, को प्राइम नंबर, यानी को प्राइम नंबर, और ये को प्राइम नंबर क्या होता है जिसके बीच में कोई भी कॉमन वैल्यू ना है। तो अब देखिए ए प्लस बी यहाँ पे क्या दे रखा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 15, तो ए की जगह क्या मान सकते हैं यानी 1 प्लस 14 इज इक्वल टू 15 हो सकता है, देन 2 प्लस 13 इज इक्वल टू भी 15 हो सकता है, देन 3 प्लस 12 इज इक्वल टू भी 15 हो सकता है, देन 4 प्लस 11 इज इक्वल टू भी 15 हो सकता है, देन 5 प्लस 10 इज इक्वल टू भी 15 हो सकता है, देन 6 प्लस 9 इज इक्वल टू भी 15 हो सकता है, देन 7 प्लस 8 इज इक्वल टू भी 15 हो सकता है, राइट बच्चों। तो ये सारे पेयर नहीं बनेंगे, अब इसे इसमें हमें चेक करना है जो यानी को प्राइम नंबर कौन सा है जिसके बीच फैक्टर नहीं हो सकते। तो देखिए 1 और 14 के बीच में कोई सा फैक्टर हो सकता है, कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, नहीं तो एक ये नंबर हो सकता है, देन 2 और 13 के बीच में कोई भी नहीं तो ये भी हो सकता है को प्राइम नंबर, और देखिए 3 और 12 के बीच में कॉमन है क्योंकि
जो 12 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नहीं होगा। देन 4 और 11 एक को प्राइम नंबर है। देन 5 और 10 नहीं है क्योंकि ये 5 से जो है 10 डिवाइड हो जाएगा तो ये नहीं है। 6 और 9 देखिए ये दोनों 3-3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी नहीं है। और 7 और 8 एक को प्राइम नंबर है। तो काउंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो कितने पेयर आएंगे बच्चों, 4 पेयर, राइट बच्चों। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी।